अब इस टेक केयर पे आपको 4 से 5 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको जो भी डोजेस आज बताए जाएंगे उसी डोजेस को आपको ये फॉलो करना है, आपको उससे ज्यादा नहीं लेना है। अभी मैं आपको कुछ डोजेस बताऊंगी क्या डोज आपको लेना है। अगर किसी को सीवियर केस ऑफ एनीमिया है, जैसा मैंने बताया, बस खाने की कमी की वजह से नहीं, किसी को कोई बड़ी बीमारी की वजह से एनीमिया है, कैंसर है, किडनी का फेलियर है, उस केस में हमें बस ये बोलकर नहीं देना है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट ले लो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सीवियर केसेस में वैसे भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ जाने के लिए। छोटे बच्चों के लिए आइडल है, छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बट देने से पहले अगर बहुत छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, तो एक बार उनके डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए। ये जो, क्योंकि हर एक बच्चे का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उनका केस जानते हैं, तो डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल एक फूड सप्लीमेंट है जिसपे आपको FSSAI का मार्क, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मार्क मिलेगा। इसमें आपको आयुष का मार्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। अगर कोई आपको कहता है एलिमेंट्स के सारे प्रोडक्ट पे आयुष का मार्क है, इसमें आयुष का मार्क क्यों नहीं है, तो आप उनको बताइए ये एक फूड सप्लीमेंट है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इससे इसमें आयुष का मार्क नहीं है, इसमें FSSAI का मार्क है। इसीलिए मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट एज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को नहीं, एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसको नहीं सेल करना है। और भी हम टेक केयर में कुछ चीजों पे बात करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसको कभी भी आपको तुरंत दूध पीने के बाद नहीं लेना। जैसे हम नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, अभी आपको मैं डोजेस बताऊंगी, आपने सुबह बच्चे को ब्रेकफास्ट कराया, ब्रेकफास्ट के बाद दूध दिया, दूध के बाद तुरंत इसका आप लिक्विड दे दी, तो थोड़ा सा गैप रखना है। दूध के तुरंत बाद आपको इस प्रोडक्ट को कभी नहीं लेना है, 1-2 घंटे का थोड़ा सा गैप रखना है। दूसरी चीज, आपने इस प्रोडक्ट को अच्छे से लिया है कुछ दिन, उसके बाद आप ब्लड सैंपल, आप ब्लड टेस्ट जरूर करवा लीजिए, एक बार हीमोग्लोबिन देख लीजिए, अगर वो नॉर्मल हो गया है या मतलब अभी हो गया है, ठीक हो गया, अच्छे लेवल में आ गए, तो आप प्रोडक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब हम मार्केट का ऐसा कोई प्रोडक्ट लेते हैं आयरन सप्लीमेंट, तो उसमें बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो रिकमेंड नहीं किए जाते हैं, बोलते हैं वो मत खाइए क्योंकि वो उससे इंटरफेयर कर देते हैं। लेकिन पेरोजोन, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमारे किसी भी खाने से रिएक्ट नहीं करता है, इंटरैक्ट नहीं करता है। तो जब आप एलिमेंट्स का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल लेते हैं, तो आप कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि उसका वो पेरोजोन उससे कोई इंटरैक्शन ही नहीं। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल आपको नेचियम के साथ नहीं लेना है। साथ नहीं लेना, इसका मतलब क्या, आयरन और कैल्शियम को जब हम साथ में लेते हैं, तो जो कैल्शियम है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर आपने ये दोनों सप्लीमेंट साथ में स्टार्ट किया है, तो आपको क्या करना है, फीलिंग को आप हमेशा सुबह में लीजिए, नाश्ता देने के बाद लीजिए, और रात में आप कैप्सूल्स ले सकते हैं। एटलीस्ट 1 घंटे का मिनिमम गैप तो दोनों के बीच में जरूर रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फीलिंग का नेचियम और अपना फीलिंग का एलिमेंट्स का अपना फीलिंग, ये दोनों साथ में आपको नहीं लेना है, आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं लेना है, सुबह शाम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कब तक लेना है। नारायणा सर का कहना है कि एक जो डब्बा है वो उसपे 60 कैप्सूल्स है, 2 महीने का डोज है, तो आप 2 महीने तक लगातार लीजिए, 2-3 महीने तक, उसके बाद चाहे तो आप स्टॉप कर सकते हैं और एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ये एक सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, आपको इसको हमेशा भी ले सकता है, बट थोड़ी देर के बाद आप एक गैप जरूर कर लीजिए। डोजेस क्या होंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक हेल्दी पर्सन भी है, तो भी आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में इसको सुबह 1 कैप्सूल भी अगर आप ले लेंगे तो काफी है। अगर कोई बच्चा 4 साल से छोटा है, तो 4 साल के बच्चों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 चम्मच आपको लिक्विड का देना है सुबह, 2 चम्मच नाश्ता किया, 2 चम्मच बच्चे को पिला दिया। छोटा बच्चा है 4 से 15 साल का, तो 1 चम्मच दीजिए, 5 ml ही। और अगर अडल्ट लोग हैं तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उनको 2 कैप्सूल्स लेना है और 2 बड़े चम्मच, मतलब दोनों को साथ में नहीं लेना है, या तो 2 कैप्सूल्स दीजिए या 2 बड़े चम्मच आपको लेना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, नॉर्मल जितनी भी लेडीज है वो 1 कैप्सूल भी लेंगी चलेगा, या 1 बड़ा चम्मच भी लेंगी तो चलेगा। कैप्सूल्स एक्चुअली नॉर्मली ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो लिक्विड कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, बस डिफरेंस यही है कि कैप्सूल्स में हमारे कैल्शियम है और लिक्विड जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, बाकी कॉम्पोजिशन जो है वो लगभग सेम है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो कैप्सूल्स ट्रैवलिंग के लिए है और जो लिक्विड है वो आप रेगुलर कंजम्पशन में ले सकते हैं।